नकार दिया है और ये पूरा मजबूती से हम ये चलिए, कर दोनों रहे पक्षों के ये अलग ये दावे हैं। अशोक सज्जनहार जी, बड़ी बात यहाँ से ये कि जिस तरह से अभी जो ये टक्कर दिखाई देती है, ये टकराव की स्थिति जो इस वक्त अमेरिका में दिखाई देती है, अभी कौन आगे निकलेगा इस पर संशय है। लेकिन बड़ी बात ये कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर, जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण जो होना चाहिए, उसमें जो ये टकराव दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका को, अमेरिका के भविष्य को किस दिशा में ले जा रहा है, ये ग्रेसफुली क्यों नहीं हो पा रहा है? के लिए ठीक नहीं है और पूरी दुनिया में अगर हम देखें लोकतंत्र के लिए वो भी ठीक नहीं है। परंतु फिर बिल्कुल जब राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं वो और उसके बाद उनसे पहले भी जो पूरी अमेरिकन सोसाइटी है बहुत ही पोलराइज हो गई है, बहुत उसमें ध्रुवीकरण आ गया है और उसमें बिल्कुल डिविजन आ गई है इन द मिडल। अब जैसे उन्होंने कहा है जो बहुत ज्यादा वो बहुमत लेकर आए हैं, 70 मिलियन लोगों का सपोर्ट है, तो देखिए ट्रंप साहब को भी 68 मिलियन का सपोर्ट है, ऐसा कर नहीं है जो उनको कम सपोर्ट है, उनका सपोर्ट भी 2016 से ज्यादा बड़ा है। और जो ये मेन लाइन मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था जो ब्लू वेव आने वाला है, ये आने वाला है, वो कुछ नहीं हुआ है। जहां पर भी है जैसे आपने स्वयं बताया मीनाक्षी जी, बिल्कुल ही ये कांटे की टक्कर है। और अगर ये जो 4 स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया जिसमें 20 हैं, जॉर्जिया 16, नॉर्थ कैरोलिना 15 और अलास्का 3 जो कि उनको मिल ही चुके हैं, अगर ये सभी चारों के स्टेट जिसमें ट्रंप साहब आगे जा रहे हैं, ये चारों स्टेट में 54 अगर इलेक्टोरल कॉलेज वोट आ जाते हैं तो वो उनको ट्रंप साहब का जो टैली है 214 से लेकर 268 तक आ जाता है। और ट्रंप साहब ने ये भी कहा है जो नवाडा का जो 6 वोट है वहां पर, और एरिजोना जो कि कॉल आउट किया गया है उसमें भी अभी वो कह रहे हैं जो पूरी काउंटिंग नहीं हुई है, मिशिगन को भी आपने बताया या किसी और आपके पैनलिस्ट ने बताया जो उसमें भी अभी प्रश्न चिन्ह आ गया, हालांकि इट वॉज कॉल्ड आउट मिशिगन का, और उसमें 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। तो देखिए अभी मेरे ख्याल से थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर, वहां पर कोर्ट में जाकर निर्णय होगा। परंतु ये जो तरीका है जैसे ये जा रहा है और जैसे कि उन्होंने बताया जो आखिरी मौके पर ये कुछ रूल्स में चेंजेस लाए गए हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए एक और बात है अमेरिका में, शायद वो भारत में देखकर उससे कुछ सबक ले सकते हैं, लेसन ले सकते हैं। वहां पर कोई फेडरल लेवल पर इलेक्शन कमीशन नहीं है जैसे भारत में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, वो जाकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाते हैं और उनसे कहते हैं जो आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए, और जो कुछ इलेक्शन कमीशन कहता है मेरे विचार से 95% 98% वो मान्य होता है। अगर मान्य नहीं होता बिल्कुल, और ये एक बड़ी बात सर आप यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखना ये होगा कि क्या दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से एक एक आदर्श स्थिति या एक पारदर्शिता की सूरत कैसे हो सकती है इलेक्शन कमीशन के जरिए या एक फेडरल एजेंसी, एक सेंट्रल एजेंसी के जरिए। कम से कम ऐसी परिस्थितियों में ये संदेश, ये सबक जरूर ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए चर्चाएं ये भी लगातार चल रही हैं अमेरिकन मीडिया में भी कि क्या ये साल 2000 में फ्लोरिडा की रीकाउंटिंग को लेकर जो परिस्थितियां बुश और गोर के बीच बनी थी, क्या वैसा ही कुछ इस बार भी हो सकता है? कयास कई हैं, लेकिन असल सूरत क्या होगी इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। आज तक की नजर लगातार बनी हुई है अमेरिका के सबसे बड़े चुनाव पर। कवरेज जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक।